दादाजी की प्यारे से स्माइल। दादाजी क्यों हंस रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं, हंसना बहुत अच्छी बात है, हंसा करो आप। इनको ड्रैग करना है तो ऐसा करना, सिलेक्ट करना पहले दोनों को, ठीक है? फिर यहाँ पे रखना इस एरो को यहाँ पे और ड्रैग कर देना है। देख पूरी गिनती आ गई, जैसे टेबल लिखनी है ना, टू का टेबल लिखना है, दो, उसके बाद एंटर मार के चार कर रहा है ना, तो फिर कंप्यूटर ये समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए। इसको दो दो का गैप चाहिए ना बीच में, जैसे दो का टेबल होता है। ये देख हो गया, दबानी कीबोर्ड से विंडो के साथ आर टाइप करना है, ठीक है? देख यहाँ पे पावर पॉइंट ऑलरेडी आ रखा है, तुझे एक्सेल खोलना है ना, तो एक्सेल की स्पेलिंग लिख देनी है ये। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि कल मैं आपको कुछ सुबह सुबह एक अपडेट देने वाला हूँ, तो वो अपडेट ये है कि मुझे 15 तारीख तक किसी भी हाल में अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कराने हैं। ये मेरे लिए एक टास्क है जो पूरा कंप्लीट करना है। अभी मेरे सब्सक्राइबर 1600 हैं, तो आप लोगों को फुल सपोर्ट करना है, शेयर कर देना है भाई प्लीज यार, दिल से, क्योंकि मुझे 15 तारीख तक 2000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए, यानी कि 400 सब्सक्राइबर मुझे और चाहिए। अभी सुबह हो चुकी है, प्यारा सा सनराइज हो चुका है, आज हल्के हल्के बादल भी हैं, ये चेक कर सकते हो आप लोग। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगी, आपको 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं 15 तारीख तक। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, करा देना, ज्यादा नहीं है, 400 सब्सक्राइबर कुछ खास ज्यादा नहीं है, वो भी 1600 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हैं, 10-12 सब्सक्राइबर ऊपर हैं, 1612 है, 1613 कुछ ऐसे हैं। तो अभी जो है हमें 15 तारीख तक 2000 कंप्लीट करवाने हैं, एंड आज का ब्लॉग वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो उसको पता नहीं क्या हो गया, इसको पता नहीं क्या हो गया, सुबह पैर खाए जा रहे हैं मेरे, क्या हो गया, क्या हो गया? तो गाइस ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर काम, बाथरूम बना रहे हैं यहाँ पर, खतरा ज्यादा लोगों का। और ये नाना जी कर रहे हैं काम, और ये हमारे दादाजी, दादाजी और नाना जी, किस चीज का काम चल रहा है यहाँ पे? हाँ? किस चीज का काम चल रहा है यहाँ पे? ये हाँ, ये चल रहा हाँ, परिवार विकास, परिवार विकास नहीं, बन क्या रहा है, क्या बना रहे हो? गड्ढा, गड्ढा किस चीज का? बाथरूम का, लेटरिंग। अच्छा लेटरिंग बाथरूम बनेगा यहाँ पे, बस लेटरिंग का गड्ढा बनेगा। हाँ हाँ, और फिर उसमें वो लेटरिंग बाथरूम जैसे भी बनाएगा। अच्छा अच्छा, कितने में हो रखी है बात? है? कितने में हो रखी है बात आपकी? बात काम हो रखी है, बात तब बनेगी जब गड्ढा बन जाएगा। अच्छा, 6000 में पर, सही बात, काम का तो तभी मिलता है ना जब काम पूरा हो जाए। अगर आप अच्छा करोगे तो 6000 में खुद ब खुद खुश हो के वो आपको थोड़ा और भी दे देंगे एक्स्ट्रा, तो कर देंगे जब गड्ढा बन जाएगा, तब कर देंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी। तो इतना घेरा कर दिया नानी लोगों ने, ये काम कर रहे हैं आज, तो अभी थोड़ी मैंने इनके लिए चाय बनाई। अब कितने दिन लगेंगे इसको? अभी कम से कम 6-7 दिन लग जाएंगे ना, कम तो ये हमारे नाना जी हैं। नाना जी कितने दिन लगेंगे? 6-7 दिन? 6-7 दिन लगेंगे ना, 6-7 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं तो 3-4 दिन ही हूँ घर, तो मतलब मेरे जाने के बाद हो जाएगा काम, हो जाएगा ना काम कंप्लीट। तो ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी बोल रहे हैं कि 6-7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अभी भी 6-7 दिन और लगेगा, 1 हफ्ता और लगेगा इसको, इस काम को करने में। इन लोगों को पहले घेरा करना है, फिर उसके बाद दीवार भी मारनी है ना, उस पे साइड साइड किस चीज, पत्थर की, ईट वीट की? पत्थर की ना, पत्थर की दीवारें अक्सर बना करती है पहाड़ों में ना, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे शहरों में होता है कि नॉर्मली जो है ईट ले आते हैं रेड कलर वाली, उससे घर बनाते हैं, यहाँ पर वो काम कम होता है। तो अब इनके साथ एक फोटो लेते हैं, दादाजी की प्यारे से स्माइल। दादाजी क्यों हंस रहे हो आप? क्यों हंस रहे हो आप? नहीं हंस रहे भाई, हम आप हंस रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हंसना बहुत अच्छी बात है, हंसा करो आप। अभी अभी हम आए हैं खतरा दादा की दुकान पे, और यहाँ पर है मालकिन। दादी ये क्या खोल रहे हो? कुरकुरे हैं इसमें। अंशु क्या हाल है? तो इनकी आजकल दादाजी है नहीं, तो दादी जी ही चला रही है अपनी दुकान, और दुकान पर मतलब यार दादाजी होते ना तो एक अलग ही मजा आ जाता था हम लोगों को, आते ही बकचोदी स्टार्ट, फिर अब काफी महफिल रहती थी यहाँ पर बैठर की। आजकल कोई भी घर नहीं है, बहुत सोना सोना लग रहा है गांव में, पूरा का पूरा गांव भाई बहुत सोना सोना लग रहा है। पर भाई एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो व्यू है ना ये देखने लायक है, देखो यहाँ पर चेक करो, पीस आ रहा है कुल्ली। तो एक फोटो भी ले लिया मैंने इस वाले मौसम की, लेनी जरूरी होती है, पहाड़ों में सबसे बेस्ट चीज ये होती है, यहाँ पे धूप है यहाँ पे नहीं, ऐसा लग रहा था काट दिया होगा बीच से किसी ने ना, पर ये चीज बहुत अच्छी है। बाकी तो
गाइस शाम हो गई है, ये चेक करो आप लोग, पूरी की पूरी मतलब धुंध टाइप की पड़ गई है, अंधेरा होने वाला है, बस थोड़ा टाइम रह गया ठीक है। और आज लेकिन गुल्लू मुझे बुला रहा है, इसने पीसी लिया है ना, तो इसका पीसी दिखाते हैं आज आप लोगों को, और इसको कुछ बताना है शायद से, तो चलो देख लेते हैं। हाँ गुल्लू बोल, हाँ क्या करना है, पीसी ऑन करना है ना। तो गुल्लू क्या करना है तुझे, क्या मतलब क्या करना है इसमें? इसका अच्छा एक्सेल और पावर पॉइंट खोलना था, तो इसको थोड़ी सी इसकी हेल्प कर लेते हैं। अरे मैंने तुझे बताया था ना कंप्यूटर स्टार्ट हो गया ना, सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से ना, जो उसका चेचे वगैरह सारा क्लियर हो जाता है ठीक है। तो ये है ना विंडो, विंडो वाली की दबानी कीबोर्ड से, विंडो के साथ आर टाइप करना है ठीक है। देख यहाँ पे पावर पॉइंट ऑलरेडी आ रखा है, तुझे एक्सेल खोलना है ना, तो एक्सेल की स्पेलिंग लिख देनी है, ये देख मैंने पहले से लिख रखी ना इसमें, तो वो आ जाएगी ठीक है। ये करना है एंटर, ये एक्सेल खुल गया ठीक है। और अब अगर तुझे एक्सेल के अलावा वो खोलना है, पावर पॉइंट खोलना है, पहले यहाँ से इसको बंद कर देंगे ठीक है। सेम वही करना है, विंडो के साथ आर दबाना है और यहाँ पे लिखना है पावर पॉइंट ठीक है। ये वाली स्पेलिंग लिखनी है POWER एंड PNT, पूरा लिखना पॉइंट, PNT करना है, देन ओके खुल गया ठीक है। इसमें तू तब फिर तेरे को जो बनानी है प्रेजेंटेशन वगैरह वो तू इस पे बना सकता है। और कुछ थोड़ा आगे वाला कौन सा जल्दी खोल। तो गाइस मैंने बुल्लू की हेल्प कर दी है थोड़ी सी, इसको बताना था एंड चलो अभी ये कुछ और पूछ रहा है, क्या बताना है अभी, मुंह से बोलना भाई, करना क्या है तुझे मैं बताता हूँ फिर, क्या करना है बता। हाँ विंडो आर, अरे विंडो आर साथ में दबाना है। हाँ अब क्या करना है, इसको बैक स्पेस कर दिया, पावर पॉइंट लिखेगा ना उस पर, अगर पावर देख पावर पॉइंट लिखना, अगर वहां से भी नहीं होता है ना पावर पॉइंट तो फुल लिखना, एंटर मारना है, खुल गया ना। और अगर बाय द वे तेरे को ना जैसे मतलब ये करना है कंट्रोल आर किया, पावर पॉइंट अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो तेरे को यहाँ पे टाइप करना है पावर PNT है ना, ये ओपन कर दिया, ये वाली विंडो खोलनी है, टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम, इसमें सब कुछ है, इस पीसी में जितना भी है वो सारे विंडो में आता है ठीक है। एक्सेल लिखना है इस पे EXCEL, एक्सेल की स्पेलिंग लिखनी, और फिर क्या करना है एंटर मार देना है, खुल जाएगा तेरा। जो आपने उस दिन बोला था वाले जैसे तीन है जब इस कर ड्रैग, अच्छा मतलब जैसे नंबर लिखने हैं 1 2 इनको ड्रैग करना है, तो ऐसा करना सिलेक्ट करना पहले दोनों को ठीक है, फिर यहाँ पे रखना इस एरो को यहाँ पे और ड्रैग कर देना है, देख पूरी गिनती आ गई। जैसे तुझे टेबल लिखनी है ना, 2 का टेबल लिखना है 2, उसके बाद 2 नंबर तो लिखने पड़ेंगे तुझे, अगर तू सिंगल इसी को इसी वाली रो को ड्रैग करेगा ना तो हर इसमें 2-2 ही आ जाएगा देख। और अगर तू 2 कर रहा है उसके बाद एंटर मार के 4 कर रहा है ना, तो फिर कंप्यूटर ये समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए, इसको 2-2 का गैप चाहिए ना बीच में, जैसे 2 का टेबल होता है ये देख, हो गया 2 4 6 8 10 12 इस तरह से हो जाता है ठीक है। तो चलो गाइस करते हैं आज की ब्लॉग वीडियो को एंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ एक चीज जरूर याद रखना, 15 तारीख तक 2000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, और पूरा मतलब शेयर वेयर जरूर कर देना, बहुत जल्दी मिलेंगे ब्लॉग वीडियो में।